अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज किचन में मैं अरसला आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया अम्मीज किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए अम्मीज किचन में, आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और आज हम बहुत ही मज़ेदार सा जो है सर्दियों का जो है मशहूर, सर्दियों के लिए बहुत मुफीद जो है दूध बना रहे हैं, ज़ाफ़रानी दूध। बहुत ही जो है ये मज़े का होता है और जो है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप लोग इन्ग्रीडियंट नोट कर लीजिए। ज़ाफ़रानी दूध बनाने के लिए हमने ये तकरीबन एक छोटी 1 टेबलस्पून एक छोटा चम्मच जो है ये ज़ाफ़रान लिया है। तो ये थोड़ा सा ये काफ़ी ये भी एक्सपेंसिव है और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून छोटा वाला ये ज़ाफ़रान लिया है और ये तकरीबन जो है 3 टेबलस्पून ये चीनी ली है और ये तकरीबन जो है थोड़े से पिस्ते लिए हैं और थोड़े से बादाम लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम जो है इस ज़ाफ़रानी दूध को, हमने ये 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको तकरीबन भी बस हमने ये खूब पकाया है। आधे घंटे तक हमने इस दूध को खूब पकाया है। ये देखिए गाढ़ा सा हो गया है और अब इसमें ये ज़ाफ़रान डाल रहे हैं। देखिए ये बहुत ही जब डलेगा तो बहुत ही इसका अच्छा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा। और साथ ही चीनी डाल रहे हैं, खूब पकाएंगे ताकि ये ज़ाफ़रान का कलर इस दूध के अंदर आ जाए। इस तरह से करते रहेंगे। देखिए व्यूअर्स ये हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है ज़ाफ़रान का भी। ये 2 इलायची छोटी इलायची ली हैं, ये डाल रहे हैं। देखिए हल्का हल्का सा, देखें गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको पकाते रहेंगे जब तक ये इसका कलर आ जाए। देखिए व्यूअर्स ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छा इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। और अब हम ये थोड़े से बादाम डाले हैं और अब ये पिस्ते डाल दिए हैं और ये बस अब डन हो चुका है। मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी दूध आप लोग ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में बहुत ही ये मुफीद है। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, बिल्कुल गोल्डन सा। और देखिए बस ये डन हो गया है, बस अब इसको निकाल रहे हैं हम। देखिए विवर ये डन हो गया है ज़ाफ़रानी दूध, अब हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और मिनटों में ये बहुत ही जल्दी से तैयार भी हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा है ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा। थोड़े से ये पिस्ते डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं ऊपर से और ये थोड़े से पिस्ते भी डालेंगे। नहीं। और देखिए व्यूअर्स ये डन हो गया है मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी दूध। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मज़ेदार से ज़ाफ़रानी दूध की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर अभी तक आप लोगों ने अम्मीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी इस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।